अच्छा संदेश है। और देश में कई जगह यात्राएं आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, तो यह अच्छा संदेश है कि लोग यात्राओं से जुड़ रहे हैं। जब यात्रा से जुड़ते हैं तो मैं एक आज का जो मेरा किस्सा मैं बताता हूँ। आज गांधी जयंती है, जब हम इस आश्रम में आए, यहाँ गांधी आए, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम वर्धा में अहिंसा के रास्ते संगम कई कैंप वर्धा में मैंने अटेंड करे हैं, जहाँ गांधी रहे हैं, गुजरात साबरमती भी मैं गया हूँ, तो यहाँ जहाँ गांधी के कदम पड़े धरती पर, जहाँ जहाँ गांधी रहे, तो वहाँ की ऊर्जा आज भी ऐसा लगता है कि उस ऊर्जा में गांधी रह रहे हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पूरा गांधी, राहुल गांधी सब बैठे हुए थे और बड़ा म्यूजिक अच्छा सिस्टम था, साबरमती के संत से लेकर रघुपति राघव राजा राम सारे गाने बज रहे थे, तो मैं एक ध्यान की मुद्रा में था। तो मुझे ऐसा लगता है गांधी को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपका राजनीति का चश्मा उतारना पड़ेगा। अब राजनीतिक चश्मे से गांधी को नहीं समझ सकते हो, गांधी को जानने के लिए आपको अध्यात्म को पढ़ना पड़ेगा, अध्यात्म को सीखना पड़ेगा, तो आप जान पाओगे कि गांधी क्या है। आज कोई भी व्यक्ति गांधी पे टिप्पणी कर रहा है तो ये गांधी, गांधी की लड़ाई यही थी ना, गांधी की असली लड़ाई। और आज कभी गांधी होते हो गोडसे होते तो मुझे ऐसा लगता है कि गोडसे की गोली मारने के बाद भी गांधी उसको गले लगा लेते। गांधी प्यार का प्रतीक है, गांधी मारे नहीं जा सकते हैं, गांधी विचारों के तौर पर जिंदा रहेंगे और उन्हें कोई नहीं मार सकता। आज कितनी भी शक्तियां कितना भी दुष्प्रचार गांधी के बारे में कर ले, जितना दुष्प्रचार होगा उतना ही गांधी का नाम, गांधी के विचार आगे होंगे। गांधी ना ही महामानव की श्रेणी में है ना ही महापुरुष की श्रेणी में, गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपने जीवन में हमेशा बदलाव और विचारों की जो स्वतंत्रता गांधी के अंदर थी, दृढ़ता थी। तो एक युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि विचारों में दृढ़ होना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। आपके विचार दृढ़ित होना चाहिए, आपकी जो विचार होना चाहिए वो बिल्कुल आजाद होना चाहिए। वही लड़ाई गांधी ने लड़ी है और उससे सीखने को कितना मिलेगा। पढ़ो तो गांधी को, गांधी को पढ़ना है तो आप इतिहास को पढ़ो, किताबों को पढ़ो, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से कभी गांधी को आप पढ़ोगे तो आप उतना ही जान पाओगे जितना आपके सामने परोसा जा रहा है। तो उससे आप गांधी को नहीं पढ़ पाओगे, फिर आप कुछ भी गोडसे की जितना भी महिमा मंडप करो, लेकिन जब विश्व पटल पर आप जाओगे तो आप गांधी के नाम से ही याद किए जाओगे, ना कि गोडसे के नाम से याद किए जाओगे।